दो दिन भी नहीं चला, कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी दसारी आग लगी उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, पूरी मध्य प्रदेश की तस्वीर उनके सामने है, जहां हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, ये समझ गए। इसलिए इन्होंने कुछ घंटों में, ये आखिरी सत्र था, मैंने प्रवेश किया था इस सदन में एक लोकसभा के सदस्य के रूप में, सदन के नेता के रूप में, उसके बाद मैं विधानसभा का सदस्य बना। और मैंने, मेरी मुझे जो उम्मीद थी इस लोकसभा से, इस विधानसभा से, कि मेरा इतना अनुभव रहा है, 40 साल मेरा लोकसभा या विधानसभा में अनुभव रहा है, हम इसका फायदा उठाते, जनता तक अपनी बात पहुंचाते, ये भी जनता की बात हमसे सुन लेते। इनको सुनने में परेशानी है, बस दबा दो, छिपा दो, आज इनके पास केवल यही बचा है।